तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। चल कीचड़ उड़ उड़ के मेरा पूरा कपड़ा गंदा होता है, तब नहीं दिखता है। हेलो बाबू इधर ही खा गए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हो रही है रात, बज रहे हैं कुछ 7:30 बजे, और हम लोग सोचो हम लोग कहाँ रेडी होके जा रहे हैं। विनय भी ब्लैक पहने है, मैंने भी ब्लैक पहना है, और मैंने भी ब्लैक पहन। तो हम जा रहे हैं, आज है माही का बर्थडे, तो कल रात में भी सेलिब्रेट हुआ था, बट हाँ शिवाय का भी बर्थडे वो बोल रहा है। कल रात के सेलिब्रेशन का मैंने कुछ भी नहीं डाला इसलिए, क्योंकि वो व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था। लास्ट डे का भी था, फिर कल का भी था, और फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सारी चीजें, और थोड़े अलग व्लॉग भी तो होने चाहिए ना, क्योंकि सारी चीजें दशहरे का, और मतलब सारी चीजें अगर मैं एक ही व्लॉग में डाल दूंगी तो फिर बाकी व्लॉग में मैं क्या करूंगी। इसलिए मैंने बोला माही के बर्थडे का तो एक अलग व्लॉग होना चाहिए। तो हम लोग जस्ट रेडी हो चुके हैं, कायरा स्कूल से आई, मैं उसको ट्यूशन नहीं मतलब भेजने वाली थी, उसका कल पेपर वो ओरल एग्जाम है, तो बहन बोली उसका इंग्लिश पढ़ के हो गया है, देखो इंग्लिश अरे पढ़ के हो गया है तो रहने दे, मैं लेके जाती हूँ, तो बहन डायरेक्टली उसको वहां पे लेकर आएगी। थोड़ा उसके बर्थडे के लिए चॉकलेट्स वगैरह भी लेने हैं, तो बोली वो सब मैं करके फाइनल फिर मैं आ जाऊंगी डायरेक्टली वहां पर। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और घर पे भी बात हो चुकी है, वो लोग भी 10 मिनट में निकलेंगे, हम भी निकलेंगे यहाँ से, और हम कैसे लग रहे हैं बताना एज ऑलवेज। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, थैंक यू। और आप आजकल सबसे ज्यादा मैंने, प्यारे लग रहे तुमको नहीं लग रहा आजकल हैं। मैं बहुत मेकअप करने लग गई हूँ? हाँ वैसे बहुत ज्यादा थोपने वैसे लगे। ज्यादा नहीं लगाया है, अरे थोड़ा थोड़ा सा लगाया है, बट पहले मैं ये थोड़ा सा भी नहीं करती थी ना विनय, एकदम सिंपल रहती थी। ज्यादा ये वो भर भर के नहीं लगाया है, हल्का सा एक क्रीम लगा लिया है, लिपस्टिक लगाया है, काजल लगाया है, पर पहले मैं ये भी नहीं लगाती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि उम्र है, लगाना चाहिए, कल को उम्र ढल जाएगी तो फिर तो झुर्रियां आनी है चेहरे पर। ये देखो, तो हम बस निकलेंगे, और टिट्टू की बाहर बातें, आजकल व्लॉग में टिट्टू नहीं आता है, टिट्टू की बाहर बातें चालू है, टिट्टू बहुत बोलने लग गया आजकल। देखो टिट्टू क्या बोल रहे हो, आप जरा बता दो क्या हो गया बेटा, इसको कब से बोल रही हूँ आ जा नीचे कुछ खा ले, तो आ नहीं रहा है। टिटू मैं जाऊं, आओगे आप? आएगा बच्चा, आएगा बेटा, आ जा मेरा बेटा, कैसे देखता कैसे, देखता कैसे पागल। अब देखो अंदर जाऊंगी ना, टैन 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 शुरू हो जाएगा। तो हम लोग रेडी हो जाते हैं फाइनल, और देखो शुरू हो गया इसका, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और इधर ज्योति दी खड़ी है, ये लोग का डिस्कशन चल रहा है खाने का क्या ऑर्डर किया। और ये देखो, ये इसने ना मेरा कपड़ा देखी थी कि मैं क्या पहन रही हूँ, और ये गई थी मार्केट, इसको लेना था ड्रेस, तो शायद ये यही लेकर आई है। हैप्पी बर्थडे माही। थैंक यू। कुछ बोलना चाहेगी माही? कैसी लग रही आज माही? अच्छी लग रही ना? और देखा ब्लैक बर्थडे पे मोस्ट ऑफ ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, और मेरी बहन देखो अच्छी लग रही है, मुझे पता ही था कि कुछ ब्लैक ही लेगी, और देखो मोजड़ी भी ली, देखो देखो अच्छी लग रही है, और माही भी ब्लैक पहनी है, मैं भी ऑलमोस्ट सब ब्लैक, विनय भी ब्लैक, ज्योति दी मस्टर्ड पहनी है। अभी देखो बाकी लोग ऑन द वे है, जो कि कल ऐसी बात हो रही थी हम लोगों की कि एज ऑलवेज वो लोग लेट ही होंगे। हाँ तो चांदनी दी बोली नहीं हम लोग तो जल्दी निकल जाएंगे और हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, तो विनय बोले कि देखना हम लोग ही जल्दी पहुंचेंगे, वो लोग लेट ही आएंगे, और लेट ही हो गए। दीपक आया। बस करो,
काल को मस्त लग रहा है। सो हो चुकी है सुबह और कायरा जा चुकी है स्कूल, बाबू खेल रहा है। बाबू को मैंने नहीं भेजा क्योंकि कल से उसका एग्जाम स्टार्ट है, तो मैं बोली कि आज रिलैक्स हो जाओ, आज मुझे उसको पढ़ाना भी है, समझाना भी है बहुत सी चीजें। और लास्ट एग्जाम में बहुत ही अच्छा उसने मार्क्स लाया था, मैं चाहती हूँ कि हमेशा उसके ऐसे ही मार्क्स आए, क्योंकि अगर बेस अच्छे से डेवलप होगा उसका ना, तो आगे उसका माइंड अच्छा शार्प रहेगा पढ़ाई में। तभी थोड़ा मैं आज मैं उसको थोड़ा प्रिपेयर करूंगी, स्कूल नहीं गया, सुबह से खेल रहा है, माइंड फ्रेश है, अभी थोड़ा उसको सुलाऊंगी और शाम को पढ़ाऊंगी। और आज थोड़ा मुझे बहुत ज्यादा कंटाला आ रहा था, मैंने बहुत ही लेट काम वाम शुरू किया अपना, खाना भी नहीं बनाई, बिना बाहर से पुलाव लेकर आकर खाए, चिकन पुलाव। और मैं अपना नहा वहा कर पूजा वूजा सब कर ली, माता रानी की मूर्ति मैंने वॉल पे नहीं लगवाई, मैंने मंदिर में ही सेट कर दिया, दिखाती हूँ आप लोगों को, अच्छा लग रहा है। विनय ने बोला अच्छा दिख रहा है, ये देखो नीचे से हटा दिया, दिखा दू, टी शर्ट नहीं पहने रहते तो ब्लॉग में आने में शर्म आती है। तो विनय ये लोग ने खा लिया है खाना, मेरा पूरा काम हो गया, सिर्फ मैंने कपड़े नहीं धोए हैं आज, कपड़े रखी हुई हूँ। मेरा बन रहा है मैगी और रखा है मैंने रोटी, टमाटर मटर कुछ भी घर में नहीं है, सब्जी है ही नहीं। मैं विनय को बोली शाम को चल के अपने को लाना है, बोले ठीक है। और बस थोड़ा टेंशन हो रहा है, अब ये लोग का एग्जाम स्टार्ट होता है ना, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है, तो देखो क्या करते ये लोग एग्जाम में। मैं फटाफट बना के खा लेती हूँ मैगी, फिर मिलती हूँ। हम आ गए हैं नीचे, मैंने सबसे पहले अपना गाड़ी आधा घंटा साफ करते और अरे भाई, आ जाते हैं। आधा घंटा नहीं, मिट्टी लगी थी तो मुझे बोलोगे कि जींस गंदी हो गई तुम्हारी बाइक से। ए जब बारिश में कितने दिन से बोल रही हूँ वो लगवा लो इसको, ये टायर में क्या लगता है इधर नीचे, जिससे कीचड़, एक मिनट, कीचड़ नहीं उड़ता है, कीचड़ उड़ उड़ के मेरा पूरा कपड़ा गंदा होता है, तब नहीं दिखता है। बाबू इधर ही छागे बोल रहे कपड़े, बारिश में बंद हुई, मैं बोल बोल के थक गई। मैंने बोला था ये वाली बाइक मत लेना, दूसरी बाइक लेना जिसमें ये जगह ज्यादा होता है बैठने के लिए, पर लेना था इनको ये वाली बाइक जो ऐसे ये दिखती है ना, हीरो वाली वो, ठीक है। और कितने टाइम से मैं बोल रही हूँ, वो मर्ड गार्ड बोलते, मर्ड गार्ड बोलते है ना उसको लगवाने के लिए, वो भी नहीं लगवाया जाता, और बोलते मेरे कपड़े की फिकर है। पता है मुझे तुमको क्या फिकर है, इनको फिकर है तो अपने बाइक की चकाचक एकदम दिखनी चाहिए। ये क्या लाइटिंग्स, क्या दिवाली तक रहेंगी क्या, नवरात्रि की लाइटिंग्स? देखो इन लोग ने अभी तक हटाया नहीं, क्या होता है, दिवाली भी तो आ ही रही है ना, दिवाली में भी तो जगमग होना चाहिए। हम जा रहे हैं मार्केट शांति नगर, क्या था ना कि शिवाय का पीटी यूनिफॉर्म काफी टाइम से लेने का डिले हो जा रहा है, नहीं ले पा रहे, उसको एवरी फ्राइडे पहन के जाना होता है, तो कल है फ्राइडे। अमृता तुम माइक क्यों नहीं यूज करती यार? अरे यार मैं भूल जाती हूँ, भूल जाती हूँ मैं, एक्चुअली माइक अलग से वो कनेक्ट करना पड़ता है ना, तो फिर वो रह जाता है, कभी कभी यूज करती हूँ, देखते हो ना आप लोग, लगा रहता है ना माइक, भूल जाती हूँ। ओके ठीक है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मार्केट और लेने शिवाय का पीटी यूनिफॉर्म, कल उसको पहन के जाना है। और अभी मैं इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ क्योंकि क्या है ना, ये अभी उसका एग्जाम कल से है, तो मैं नहीं चाहती कि यूनिफॉर्म वगैरह की वजह से उसका कुछ मार्क्स का कुछ इशू हो। मेरा बेटा हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा लूज लूज थोड़ा चलेगा। हाँ ये निकलना नहीं चाहिए, सुनो आपका यूनिफॉर्म ले लिया, हाँ यूनिफॉर्म ले लिया आपका, अच्छा है ये वाला छोटी है, ओते इधर विनय कर रहे पेमेंट, हमने ले लिया है शिवाय का यूनिफॉर्म और शूज,
हाँ गेला यहाँ से लिया, यूज यहीं से शायद रानी ने लिया था कायरा का यहाँ शूज। हाँ इधर ही पीयूष मिलता है शाह, शायद। नहीं यूनिफॉर्म का उसका अलग है, तो यूनिफॉर्म स्कूल से ली थी, यहाँ से क्या लिया, इधर से आके अभी शूज रिसेंटली लेकर गई। क्योंकि और भी स्कूल का यहाँ मिलता है। हाँ और भी स्कूल का चले मिलता है। हाँ चलो नाश्ता ले लेते हैं पार्क पर, सब्जी लेके भागते क्योंकि कायरा आएगी, ट्यूशन से टाइम हो रहा था। बैठू पूछना बनाना पड़ता है बैठने से पहले, बैठो क्या बोलता है? तो बनाना हाँ घर पे बनाना, जब सड़ के फेंका जाता है तो बाहर से अभी एक लेके दो दो। कोई हाँ कैसे बोल रहा है ये, कितना बोला? ये भी वही चलो लेते हैं समय, एप्पल का कितना बोला, भाव मोल भाव हो रहा है। हाँ 1 to 30 ना। हाँ सोनू मिट्टू के लिए भी ले ले, मिट्टू और आप दोनों साथ में खा आधा, रे भैया आधा आधा, 1 किलो 1 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना भीड़ क्यों लग रहा है इधर? 150 किलो का अनार मिट्टू नहीं खाता है, उसको मैंने 2-3 बार ट्राई किया, चक चक के छोड़ देता है। खड़े हो बाबू नीचे, उसी छुट्टे का ले लो सामान बाबू, रख दो रख दो। चन्ना मामा बोल रहा है, चन्ना मामा कौन है ऊपर? चन्ना मामा है किधर? ऊपर है, इधर है चन्ना मामा। ओह माय गॉड, सो गाइस हम आ चुके हैं घर, सब्जी ले लिया मार्केट से, अभी फ्रिज में लगाऊंगी, और नाश्ता ले लिया हम लोगों ने। बेना ने गलती से कायरा के लिए लॉलीपॉप ले लिया था, मैंने बोला आज गुरुवार है वो नहीं खाएगी, तो क्या कायरा खाएगी मेरे साथ कायरा को भी धीरे मोमोज, धीरे करके वेज लाइक मोमोज। हाँ और मुझे घंटे भी नहीं लगाए थे कि मैं दरवाजा ना खटखटाऊं, नहीं तो मैं बाहर कहीं पर बैठ भी जाती। 5 मिनट से आके बेचारी नॉक कर रही थी और हम लोग को आने में 5 मिनट लेट हो गया, तो बोल बहुत देर से खड़ी थी ना। कुछ भी धक्का ला, चलो ऐसे नहीं फेंकते। अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते के बाद बनाऊंगी खाना। आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लाइक ब्लॉग में, करो चैनल का सब्सक्राइब करो।